सो हेलो गाइस, आज तो भाई लोग एक सीक्रेट लोकेशन हमें हाथ लगी है यहाँ पे, जो एक लीक भी है 3.3 अपडेट्स का जो आने वाला है, ओशन वाला जो अपडेट है यहाँ पे, ये एक सीक्रेट लोकेशन मिली है। इसके अंदर जाने के लिए हमें ये पिलर को एक्टिवेट करना होगा। इसको एक्टिवेट करने में 9 सेकंड का टाइम लगने वाला है। खुलने के बाद हमें अंदर जाना होगा। ऐसा अभी यहाँ पे खुला नहीं है, एक बार पीछे आप जाएंगे तो वापस से आइएगा, देखिए आपको ये खुला हुआ मिल जाएगा। खुलने के बाद हमें अंदर जाना होगा और ये बताना होगा आपको कि ये अपडेट कैसा लगा, मतलब ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी है, बाकी आपके ओपिनियन पे है। आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है कि आपको कैसा लगा। बाकी सारे अपडेट्स में हमें जैसे रिकॉल मिला, ऑटो रिवाइव मिला, और जैसे जेट भी मिला, रोबोट भी मिले, कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। पर यहाँ पे एक सीक्रेट डोर मिलेगा, ठीक है। सीक्रेट डोर खोलने के लिए पिलर्स को एक्टिवेट करना होगा, और ऊपर जैसे आप ये पिलर को एक्टिवेट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जैसे पिलर एक्टिवेट करेंगे ब्लू कलर का गोला आएगा इसके अंदर, जैसे ये आ गया। और सेकंड वाले पे भी जाते हैं, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं, और ये यहाँ पे देखिए एक्टिवेट हो गया है। जैसे एक्टिवेट होगा आप देखिएगा गेट के ऊपर ब्लू कलर की आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। इसके अंदर सिर्फ आपको लूट ही लूट मिलनी है, जैसे कि आपको ड्रॉप पर जो लूट मिलती है, P90 हो गई, डिली सूट हो गया, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही गेट खुलता है देखिए सामने आपको जैसे ओशन के अंदर वो जो शेल वाला होता है ना, ऐसा यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसको ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ लूट मिलेगी, भर भर के लूट। तो इस इवेंट में आपको सिर्फ लूट फाइट यही करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को P90 मिल गई, बाकी आपको सब लेवल 3 का जितना भी आपका सामान होता है सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दूसरा भी खोल लेते हैं, देखिए जैसे कि गिली सूट मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, और लेवल 3 के जितना भी आइटम्स होते हैं सब मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं। और थर्ड वाले भी खोल लेते हैं, थर्ड वाले को भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड वाला भी खुल गया है, तो सिर्फ लूट ही लूट मिल रही है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है यहाँ से हम लीव करते हैं, ठीक है। एग्जिट करने का एनिमेशन थोड़ा सा कैजुअल लगा मुझे, अच्छा लगा वैसे, तो चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ इस लोकेशन पर आ चुके हैं। इसको भी खोलने के लिए हमको यहाँ से ओपन करना होगा। इसको जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे हमें ट्राइडेंट मिलेगा, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, ट्राइडेंट ही कहते हैं वो जो त्रिशूल टाइप होता है ना, या आप एक्वामैन का त्रिशूल भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे इसको भी मैं ढूंढता हूँ, नीचे गया था तो नीचे तो देखने को नहीं मिला, तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी एक ऊपर पेट, ये वही पेटी टाइप का दिख रहा है, बट इसको ये अभी ओपन नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है, तो उसमें कुछ बग्स हैं, अभी ओपन नहीं हो रहा है। पूरा अपडेट आने पर हो सकता है यहाँ पर आपको ओपन हो जाए। तो यहाँ पे एक बॉट आ चुका है, बॉट या बंदा जैसे कह सकते हैं, इसको भी मार लेते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है, अरे अबे पूरा भाई तो पानी अंदर से हिलता है, वैसे हिल रहा है भाई, कोई नहीं, चलो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी कुछ बग्स हैं इसमें, अपडेट पे पूरा सही हो जाएगा। ये जो ऊपर अभी नहीं खुल रहा ना, ये भी खुल जाएगा। बाकी ये अभी तो बीटा वर्जन है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो चलो अब सामने की तरफ चलते हैं एक्वामैन का त्रिशूल ढूंढने के लिए। पहले जहाँ गया था नीचे की तरफ वहाँ तो नहीं मिला था, चलो यहाँ पे एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। और मैं यहाँ से वैसे नीचे जा तो सकता हूँ, बट मैं इधर से नहीं जाऊँगा। आप थोड़ा सा राइट में आओगे, देखना एक पानी का आप कह सकते हो लिफ्ट टाइप मिलेगा, जिससे आप डायरेक्ट नीचे जा सकते हो। तो मैं इसी पानी के लिफ्ट से ही नीचे जाता हूँ। तो चलिए गाइस नीचे जाता हूँ। ये जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ना, इस बिल्डिंग के नीचे आपको मिल जाएगा आपको त्रिशूल जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको ये त्रिशूल देखने को मिल रहा है। इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, तो ये उठाने का एनिमेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें साउंड्स नहीं है क्योंकि अभी अपडेट नहीं आया पूरी तरह से। तो ये मैंने त्रिशूल निकाल लिया, देखते हैं इसका यूज़ क्या है। एनिमेशन तो बहुत अच्छा है। यहाँ भी देखिए आपको P90 और ये देखिए रिस्पॉन कार्ड ज़रूर मिला, आपको रिस्पॉन हो सकते हैं आप। ऑटो रिवाइव वाला तो कोई सीन नहीं है, बट चलिए ठीक है। यहाँ से मैं निकलता हूँ, ऐसे तो रास्ते कई सारे हैं यहाँ से निकलने के, बट मुझे अभी तक मैंने जितना खेला है तो मेरे को बस अभी एक यही रास्ता याद है, तो इसी रास्ते से मैं चलता हूँ। और यहाँ भी एक लीवर टाइप ही आपको देखने को मिल रहा है, बट अभी ये भी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ कुछ अभी चीज़ें ओपन नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए गाइस, जो रास्ता मुझे याद है मैं उसी से यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो ये आपको जिस लोकेशन पर आप आए थे वहीं पर आपको वापस से फेंक देगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जोन में फेंकेगा या ऐसा कुछ सीन नहीं होगा, आप जहाँ से आए थे वहीं पे आपको ये फेंकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम वापस से बाहर आ चुके हैं, और अब देखते हैं कि इस ट्राइडेंट से क्या होता है। और ये देखिए जैसे ही आप ये ट्राइडेंट को यहाँ पे आप लगाएंगे ना, तो एक ये तूफान टाइप का देखने को आपको मिलेगा, जिससे कि
मैंने जब गेम खेला था तो एक बंदा यहाँ पे एक बॉट नॉक हो गया था। इसका मतलब ये है कि जितने लोकेशन पे ये आपका भवंडर टाइप बना होगा ना, तूफान टाइप, उसमें जो भी एनिमी आएगा वो नॉक हो जाएगा। जैसे अभी ये देखिए नॉक हो गया, और ये भवंडर के अंदर अभी एंटर का ऑप्शन आ रहा है, बट मैं एंटर कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी अपडेट पूरी तरह से नहीं आया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कई सारी चीज़ें हैं अभी इसमें दिखाने के लिए, तो आप मेरी वीडियो को वैसे ही देखते रहिए, और न्यू अपडेट की पूरी जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे उनको भी पूरे न्यू अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।